हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, फाइनली आज हमारे पास आ गया है आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग स्मार्टफोन अंडर 25,000 पर, मोटो की तरफ से मोटो एज 50 फ्यूजन। और हमारे पास ये स्मार्टफोन आ ही गया है, तो चलो आज हम इस स्मार्टफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ कंप्लीट फ्री फायर गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी इस स्मार्टफोन का बेस वेरियंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज का करंट प्राइस है 23,000 रुपीस, लेकिन आफ्टर बैंक ऑफर ये स्मार्टफोन आप लोगों को 21,000 के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज हम इस स्मार्टफोन को 21,000 प्राइस रेंज के हिसाब से जज करने वाले। अगर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आप लोगों का भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि 21,000 प्राइस रेंज के हिसाब से इस स्मार्टफोन को गेमिंग और ओवरऑल मल्टीटास्किंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं। तो चलो भाई लोग, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इस स्मार्टफोन का कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। मोटो एज 50 फ्यूजन स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6.67 इंच फुल HD प्लस 10 बिट 144 हर्ट्ज पी ओलेड डिस्प्ले। यहाँ पर IP68 का रेटिंग भी देखने के लिए मिल जाता है। गेमिंग के लिए प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, 1/4 नैनोमीटर का 5G चिपसेट है। बैटरी है 5000 mAh प्लस 68W इनबॉक्स चार्जर। रियर कैमरा है 50MP, सोनी का सेंसर है 13MP अल्ट्रा वाइड, फ्रंट कैमरा है 32MP का। दो रैम और स्टोरेज वेरियंट है, 8/128 का प्राइस है 23,000 और 12/256 का प्राइस है 25,000, लेकिन आफ्टर बैंक ऑफर दोनों वेरिएंट के ऊपर ही 2,000 का कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। तो हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बाद अभी चलो एक क्विक अनबॉक्सिंग को देख लेते हैं। तो स्मार्टफोन का बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर है हमारा डिवाइस, एक हार्ड क्वालिटी का TPU केस, कुछ यूजर मैनुअल्स पेपर मतलब मोटो की तरफ से लव लेटर, एक टाइप सी चार्जिंग केबल और एक 68W का फास्ट एडाप्टर। तो अनबॉक्सिंग के बाद अभी चलो फोन को फटाफट सेटअप करके सीधा गेम की तरफ चलते हैं। गेम के अंदर आने के बाद गाइस, सबसे पहले गेम का ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करें तो सेटिंग्स के ऊपर देख सकते हो जनरल सेंसिटिविटी 100, रेड डॉट मिरर 99 है और ग्राफिक्स में पहले से ही मैक्स के ऊपर सेट करके रखा, क्योंकि ये स्मार्टफोन अंडर 25,000 का स्मार्टफोन है तो मैक्स ग्राफिक्स तो बनता ही है। उसके साथ हाई एफपीएस कलर फिल्टर, शैडो, हाई डेस सब कुछ मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सेट है। तो अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सबसे पहले CS और सोलो वर्सेस स्क्वाड पूल मैप रैंक मैच के कुछ गेम प्ले देखते हैं, उसके बाद इस स्मार्टफोन के बारे में आप लोगों को सब कुछ क्लियर करके बोलता हूँ। सो गाइस, आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर CS रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया, तो अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही डुओ वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का भी कुछ गेम प्ले को देखते हैं। Got a
ऑल राइट गाइस, आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सीएस रैंक और डो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया। तो अभी चलो इस स्मार्टफोन के ऊपर परफॉर्मेंस को लेकर कुछ बेहतरीन जानकारी आप लोगों को देते हैं। सबसे पहले मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर गेम प्ले की बात करें तो मोटो ने इस बार इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग के लिए जो चिपसेट यूज किया है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2, वो अंडर 25,000 की सबसे उतना पावरफुल नहीं है, क्योंकि एंटोटो स्कोर देखोगे तो 5,70,000 के ऊपर एंटोटो स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा, जो एक डिसेंट एंटोटो स्कोर बोल सकते हो। तो गाइस आप लोग समझ गए होगे कि ये स्मार्टफोन एक गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, फिर भी गेम अच्छा खासा चल जाता है, क्योंकि मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सीएस मैच के अंदर कुछ भी इशू मेरे को तो देखने के लिए नहीं मिला है। और फुल मैप रैंक मैच के अंदर जब मैंने लैंड किया था, बहुत सारे बंदे एक साथ लैंड कर रहा था, तो वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप्स जैसे इशू देखने के लिए मिला था, बट मेजर कोई लैगिंग इशू अभी तक नोटिस नहीं हुआ है। गेमिंग परफॉर्मेंस के बाद अभी सेंसिटिविटी की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर गई सेंसिटिविटी तो आप लोगों को कमाल का देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि एक तो इस स्मार्टफोन के अंदर मोटो ने फुल HD प्लस कार्व्ड PoLED डिस्प्ले यूज किया है, उसके साथ स्क्रीन रिफ्रेश रेट है 144Hz, और 144Hz हायर रिफ्रेश रेट होने की वजह से भाई सेंसिटिविटी कूट कूट कर भरा है इस स्मार्टफोन के अंदर। सेंसिटिविटी को लेकर आप लोगों को कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट गाइस बैटरी और चार्जिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 5000mAh के एक मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगा, और 4nm चिपसेट होने की वजह से मेरे को बैटरी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया लगा है। उसके साथ ही बॉक्स के अंदर 68W का फास्ट चार्जर भी मोटो ने प्रोवाइड किया है, मतलब ये स्मार्टफोन 40 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज भी हो जाता है, जो एक बढ़िया चीज बोल सकते हो। नेक्स्ट गाइस कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर रियर सेट के ऊपर डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, मेन सेंसर 50MP विद वॉइस और 13MP अल्ट्रा वाइड लेंस। तो रियर कैमरा मेरे को तो काफी बढ़िया लगा है, अंडर 25,000 का बेस्ट रियर कैमरा बोल सकते हो इस स्मार्टफोन का। उसके साथ 32MP का फ्रंट कैमरा भी है, जो रियर कैमरा के जैसे ही बहुत बढ़िया काम करता है प्राइस रेंज के हिसाब से। उसके साथ गाइस इस स्मार्टफोन का अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस IP68 रेटिंग और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे बहुत सारे खटर मटर चटर पटर सेंसर का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस ये था मोटो H50 फ्यूजन 5G स्मार्टफोन का कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन और कुछ कमाल का फ्री फायर गेम प्ले। अभी आते हैं कंक्लूजन पर कि आफ्टर बैंक ओवर अंडर 21,000 की सबसे इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं। तो गाइस देखो ये गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, तो ऑब्वियसली इस स्मार्टफोन को सिर्फ गेमिंग के लिए परचेस मत करना, लेकिन अगर आप लोग एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो मेरे हिसाब से अंडर 21,000 पर इससे बेहतर स्मार्टफोन हो ही नहीं सकता। सो गाइस आज के वीडियो पर तो इतना ही, अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक रहिए गाइस, बाय बाय।